हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टेशन पर। फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एचएसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये जो अपडेट आ रही है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यू भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं इस भर्ती में कितनी वैकेंसी आई हैं और एज क्या लग रही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और अन्य सभी चीज़ें देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, पहले इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है वो 10 जुलाई 2019 है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जो वो 25 जुलाई 2019 है और पेमेंट फी लास्ट डेट जो दिया गया वो 29 जुलाई 2019 दी गई और कंप्लीट फॉर्म को कम्प्लीट करने का वो 29 जुलाई 2019 इसका भी दिया गया है। एग्ज़ाम डेट का भी नोटिफाई नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड उसके पहले ही आएगा, एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी दिया गया है और यहाँ पे भी कैटेगरी दिया गया है और इस कैटेगरी के लिए फ़ीस कम दी गई है और इस वाले के लिए ज़्यादा दी गई है। तो इस कैटेगरी क्या होती है, ये 2, 4, 6 और इसमें 1, 1, 3, 5, 8, 9, 10 ये कैटेगरी क्या है, चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैटेगरी दिया गया, पोस्ट नेम दिया गया, मतलब ये हो गया कि स्टाफ वाइज जो पोस्टें होती हैं उसको कैटेगरी वाइज कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे जूनियर सिस्टम इंजीनियर जो हैं उनको कैटेगरी एक में, कैटेगरी फर्स्ट में रख दिया गया है। अभी आप इधर आइए, देखते हैं ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी फर्स्ट में जो है 2, 4, 6, 7 ये जो है कैटेगरी हमने बता दी क्या चीज़ हैं। अब इसमें जो है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस दी गए हैं और जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये दी गई। अब इसी कैटेगरी में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे वो भी इसी कैटेगरी में जाएंगे। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मेल कैंडिडेट HR लिखा है, इसका मतलब हरियाणा के जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है वो 25 रुपये फ़ीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 रुपये फ़ीस है। अब कैटेगरी दो की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ भी अलग अलग की गई है जो कि आप अभी नीचे आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो मेल कैंडिडेट के लिए दिए गए फीस जो है वो 150 रुपये कर दिए गए हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस जो है वो 75 रुपये है और मेल कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा के हैं 35 रुपये और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा के हैं उनको 18 रुपये। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें एज क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से कि मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 42 ईयर है और रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन, जो छूट मिलती है एज में हरियाणा को स्पेशली मिलेगी वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। आगे चलते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो 2978 पोस्ट हैं और जिसमें से ये कैटेगरी जो आई जो कन्वर्ट किया गया है, कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है जूनियर्स सिस्टम इंजीनियर 146 पोस्ट, इसके लिए BE, BTEC इन CS, IT और MCA अन्य चीज़ें जो हैं डिग्री सब मांगी गई हैं हाई लेवल की और इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी दो की बात किया जाए तो इसमें जो है असिस्टेंट लाइन मैन है, इसमें 183 पोस्ट है, पास्ट क्लास 10th विथ हिंदी एंड संस्कृत, मतलब क्लास 10th पास होना चाहिए और उसमें से एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत का होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, हम आपको वही बताएंगे जो आपके लेवल की रहेगी, जो हाई लेवल की बात होगी तो वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर 5 पे देखिए तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, इसमें बैचलर डिग्री इन LLB अर्थात लॉ जो करते हैं वो 20-60% मार्क्स उनका होना चाहिए, मात्र इसमें 2 पोस्ट हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। और अभी कैटेगरी 6 में बात किया जाए तो ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट की, इसमें 18 पोस्ट हैं, कैंडिडेट 10th विथ हिंदी और संस्कृत, वही चीज़ है हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 11 में ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं, इसमें 34 पोस्ट हैं, इसमें बैचलर डिग्री मांगा है और मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम भी 60% मार्क्स, लेकिन इसमें 60-100 इंग्लिश भी मांगा है, मतलब 60-100 टाइपिंग भी मांगा है, 100 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए जो है 80 वर्ड पर मिनट। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 12 नंबर की कैटेगरी पे, तो ये स्टेनोटाइपिस्ट है, इसमें 25 पोस्ट हैं, पास इंटरमीडिएट कैंडिडेट विथ 60% मार्क्स और 60 हैंड जो इंग्लिश है वो 80 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए 64 वर्ड पर मिनट दिया गया है। आगे चलते हैं,
तो फ्रेंड्स इसी तरह से ओवरऑल कुल 27 कैटेगरी दी गई हैं और प्रत्येक कैटेगरी के बारे में तो मैं बता नहीं सकता इतनी जल्दी से। तो आपको अगर पूरा पढ़ना है कि कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, इसके लिए मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 100 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया। एग्जामिनेशन जो होगा रिटन एग्जाम का वो 90 नंबर का होगा और सोशल इकोनॉमी क्रिटेरिया एंड एक्सपीरियंसेस 10 नंबर कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्जाम जो 90 नंबर का होगा उसमें क्या क्या रहेगा। फ्रेंड्स आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये भी दो पार्ट में अलग कर दिया गया है। एक 75% वेटेज फॉर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और अन्य रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब इसमें दिया गया है। और 25% वेटेज जो है वो हिस्ट्री, करंट अफेयर और करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविल इकोनॉमिक्स, ईडीसी, ये जितने भी होते हैं वो हरियाणा की, ये सब 25% वेटेज इसमें दे दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 10 मार्क्स। इसका क्या मतलब, अब सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या मतलब, इसका मतलब हो गया कि जिसके जैसे किसी के पिताजी इसमें पहले थे किसी भी विभाग में, वो अब नहीं है, तो उनके पुत्र को वो 5 नंबर दिया जाता है। और एक्सपीरियंसेस का अगर किसी कोई कहीं एक्सपीरियंस कर रहा है या इसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी 5 नंबर दिया जाता है। उसके बारे में डिटेल से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, प्रति के बारे में यहाँ 5 नंबर दिया हुआ है, किनारे में 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ये अलग अलग आप पढ़ सकते हैं कैसे कैसे किसको मिलेगा 5 नंबर। तो फ्रेंड्स इस आप अच्छे से इसको पढ़ने के लिए हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स यही सब है, अगर आपको यह फॉर्म डालना है तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन वगैरह देख लें और सीट वगैरह देख लें, क्योंकि अच्छी सीट है, 2978 सीट है। अगर आपके लायक है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डाल दें और तैयारी करें अच्छे से। बस यही बताना था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसी तरह के भर्ती से रिलेटेड पल पल की वीडियो पाना भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस इतनी सी जानकारी देनी थी आपके लिए, बस थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।